जिस तरह से केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी का बयान आया है कि हमने कभी भी नहीं कहा था कि देश की जनता को मुफ्त में हम वैक्सीन देंगे, कहीं ना कहीं यू टर्न मारने की तैयारी में मोदी सरकार है। बिहार के चुनाव में वादा किया गया कि बिहार की जनता को मुफ्त में हम टीका लगाएंगे, क्या बिहार की जनता और देश की जनता अलग है? अगर मोदी सरकार देश की जनता को मुफ्त टीका लगाना नहीं चाहती तो क्या उनके हाल पे छोड़ने का काम कर रही है? नमस्ते ट्रंप के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर दिया, और अगर वैक्सीन की जरूरत है तो सरकारी तिजोरी से पैसा नहीं खर्च होगा। हमें लगता है इससे बड़ा अन्याय देश की जनता के साथ हो नहीं सकता। जिस तरह से विदेशी राजनेता भारतीय किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के किसानों का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। अब भी जागना पड़ेगा मोदी सरकार को। उनके सहयोगी दल कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने में क्या हर्ज है, सहयोगी पार्टियां कह रही हैं, देश का किसान मांग कर रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। दो नाम दे दो, तीन नाम दे दो, हम बैठक करेंगे। और दूसरी तरफ वीके सिंह कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, कभी कहते हैं कि ये किसान ही नहीं है, तस्वीरें देख के पता चलता है। तो क्या जो बीजेपी का झंडा उठाएगा वही किसान होगा? हमें लगता है किसानों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया गया, जिस तरह से अलग अलग तरीके के लेबल लगाए जा रहे हैं, हमें लगता है देश का किसान, देश की जनता देख रही है और इस सरकार को निश्चित रूप से किसान सबक सिखाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।